31 दिसंबर 2018 कानपुर के रहने वाले ओमेंद्र सोनी की कार एक वॉशिंग सेंटर के बाहर से चोरी हो गई। रिपोर्ट लिखाई, बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिली। दो साल बाद बुधवार 30 दिसंबर 2020 को उनके पास एक फोन आया, सर्विस सेंटर से पूछा कि क्या कार सही चल रही है। अब सोनी जी का माथा ठनक गया, मामला पूरा खुला तो कानपुर पुलिस का भी माथा ठनक गया। बताते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या था। कानपुर में एक जगह है, नाम है बर्रा। यही बर्रा थाने में सोनी ने अपनी कार की चोरी का मामला दर्ज करा दिया था। बुधवार को सर्विस सेंटर से ओमेंद्र के पास फीडबैक कॉल आया। ये फोन चेसिस नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक को किया गया था। फोन आने पर ओमेंद्र चौंक गए, उन्होंने तमाम सवाल कर डाले। इसके बाद वो सीधे सर्विस सेंटर पहुंचे तो पता चला कि कार बिठूर थाने के कोतवाल कौशलेंद्र प्रताप सिंह को सर्विस के बाद दी गई थी। अब ये जानकारी मिलने पर सोनी कार के लिए थानेदार साहब के पास पहुंच गए। खबर छुपाए न छुप सकी, आला अधिकारियों तक बात पहुंच गई। मामला खुला तो थाना अध्यक्ष ने कार को थाने में दाखिल कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब कर ली। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सीनियरों को जो रिपोर्ट भेजी उसमें बताया कि 14 दिसंबर को कार उन्हें लावारिस स्थिति में खड़ी मिली थी। कार को थाने ले आया गया, उसी दिन इलाके में एक जगह बवाल हो गया। थाने में दूसरा वाहन ना होने के कारण बिना अनुमति कार ले जाई गई, लेकिन चूंकि कार में खराबी आ गई थी लिहाजा सर्विस सेंटर पर ठीक कराया गया और फिर से थाने पर खड़ा कर दिया गया। दोषियों पर होगी कार्रवाई, आईजी। हालांकि पीड़ित यानी ओमेंद्र सोनी ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और ना ही मीडिया में कोई बयान दिया है, लेकिन पुलिस की किरकिरी होती देख कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह वाहन का इस्तेमाल करना गलत है। आईजी ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े संवाददाता रंजय कुमार ने बताया कि इस मामले में कुछ पुलिस वालों के खिलाफ तस्करा एक तरह की कार्रवाई डाला गया है। सीओ कल्याणपुर को जांच सौंपी गई है। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फुटकर माने क्या, छुटते पैसे मतलब बड़े नोट को तोड़ा और चिल्लर में बदल डाला। हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ले की इकॉनमी इसी चिल्लर के सहारे टिकी है। ये ना हो तो हिंदुस्तान के टेम्पो बंद हो जाए, आदमी पान खा के बकैती न कर पाए और कंपट का मुंह में टूटना विलुप्त हो जाए। तो लल्लन टॉप का फुटकर भी यही करने वाला है। बड़े बड़े वीडियोस के बजाय यहाँ मिलेगा चिल्लर वीडियोस का फुल डोज। खेलकूद, सिनेमा, नेतागिरी से लेकर देश दुनिया और सोशल मीडिया की सारी मौज, मारू इंटरव्यूज की सबसे चौचक बातें, वो भी कुछ मिनटों में, बिना आपका टाइम ज्यादा खोटी किए। दिखेगा लोकतंत्र का हर रंग, एंकर करेंगे सीधे आपसे बात दिल खोलकर। और हाँ, फिर बता दें, चिल्लर है चिलगोजे ना समझना, पहचानने में गलती भी ना करना, क्योंकि हम वही वाले हैं जिसका वादा रहा है, मम्मी कसम मिलेगा मारक मजा, क्योंकि हम हैं लल्लन टॉप, हम हैं फुटकर, लल्लन टॉप की नई पेशकश।